नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहला सवाल तो ये बार बार आ रहा है कि क्या सुबह पूजा करने से पहले क्या चाय पी सकते हैं। जी हाँ, सुबह पूजा करने से पहले आप चाय पी सकते हैं। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत में दिन में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। दिन में क्या खाएं और क्या ना खाएं। दिन में आप दूध, दही, लस्सी, चाय, कॉफ़ी आप ले सकते हैं और कोई भी फल आप ले सकते हैं और फलों से बना हुआ जूस भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि जूस आप घर पर ही बनाएं, बाहर का जूस आप ना इस्तेमाल करें। इस व्रत में आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश, मूंगफली, तिल, बादाम, अखरोट आप ले सकते हैं। ये सब आप सुबह की पूजा के बाद इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा के बाद आपने एक समय ही भोजन करना है, बार बार आपने भोजन नहीं करना है। भोजन आपने मीठा ही ग्रहण करना है। मीठे अन्न में आप सिंपल चावल की खीर भी खा सकते हैं, सेवियों की खीर भी खा सकते हैं, मीठी रोटी, पराठा, पूरी, हलवा, मिठाई आप ले सकते हैं। ये व्रत आप निर्जल भी कर सकते हैं, परंतु आजकल के समय में, कलयुग के समय में, बिजी लाइफ में हम निर्जल व्रत नहीं रख सकते। या तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं या फिर आप फलाहार भी रख सकते हैं। फलाहार में आप कुट्टू, सिंघाड़े, राजगिरे के आटे के कोई भी व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, जैसे रोटी, पराठा, पूरी, हलवा, मिठाई आप बनाकर खा सकते हैं। समा के चावल की खीर, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर भी आप इस व्रत में बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करें, उसके बाद आप कोई भी अनाज रूपी भोजन ग्रहण ना करें। इस व्रत में क्या ना खाएं? इस व्रत में आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें और मांस मदिरा का सेवन भी ना करें और नमक का सेवन भी ना करें, चाहे वो सिंपल नमक हो चाहे वो सेंधा नमक हो। अगर आप कर सकते हैं तो मीठे ही व्रत करें। अगले दिन आपने व्रत का पारण करना होता है। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें, अपने घर में भगवान शिव की पूजा विधिवत करें और पारण सूर्य उदय के बाद ही करें। पारण करने से पहले आप कुछ सामान, यानी कि कच्चा सीधे का सामान, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, हल्दी, कुछ दक्षिणा लगाकर आप किसी भी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। उसके बाद आप गायें, चींटियों, पक्षियों के लिए हरा चारा, दाना पानी जितना आप निकाल खिला सकते हैं उतना आप अरेंजमेंट आप अवश्य करें। जो आपने भगवान शिव को भोग अर्पित किया है उसे खाकर अपने व्रत का पारण करें। अगर आपने पारण के समय भोजन ग्रहण करना है तो आप बिना लहसुन प्याज का भोजन ही ग्रहण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।